फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ही यमी और एकदम इंस्टेंट बन जाने वाला ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, मटर और कुलचा, जो ऑलमोस्ट सभी को पसंद भी होता है, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। इसके लिए मैंने सूखी वाली वाइट जो मटर होती है वो ली है। उसको मैंने 6 से 7 घंटे भिगाया था और बॉयल दिया था मीडियम फ्लेम पे। आपको 4 से 5 सीटी देनी है तब ये गल जाएगा। और इसको मैशर से मैंने थोड़ा सा मैश किया है। और बस उसके बाद मैंने इसमें चॉप करके डाला है अनियन और थोड़ा सा टमाटो, हरी मिर्च, धनिया और नींबू का रस डाला है। अपने स्वाद के अनुसार जैसा आप चाहें इसमें डाल सकते हैं मसाला। थोड़ा सा मैंने इसमें बाद में मसाला डाला है, जिसमें मैंने सॉल्ट लिया था और थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। एक मिक्स देना है अच्छे से और थोड़ा मैश जरूर करना है, तो वो जो आपको एक बाहर वाला मटर कुलचे का टेस्ट आता ना, वो बिल्कुल बढ़िया से आ जाएगा। और बस ये मटर तो तैयार है, देखा ना आपने कितनी जल्दी से बन गया। अब मैंने यहाँ पे लिया है गाइस रेडीमेड जो कुलचा आता है वो लिया है। वो व्हीट फ्लोर कुलचा भी आता है और आप चाहें तो मैदे वाला जो आता है वो भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जो पसंद हो। तो ये रेडीमेड कुलचा है। इसे मैंने थोड़ा सा बटर नॉनस्टिक पैन में लेके दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लिया है और देखिए कुलचा भी तैयार हो गया है फटाफट से। और मैं अब सर्व करने जा रही हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और आप इस रेसिपी को अगर ट्राई करें और आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। बिलीव मी, ये बहुत ही जल्दी बनता है और टेस्टी भी लगता है। और मटर सुबह सुबह अगर आप मटर की चाट ऐसे भी खाना चाहें तो इसे बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में। प्रोटीन से भरपूर होता है तो आपको एक एनर्जी बूस्टर भी है ये आपकी मॉर्निंग स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में या फिर किसी ऐसी ही एक कुकिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।